मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, और गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली कली। ये वो गाने हैं जो हमें 60 और 70 की मशहूर अभिनेत्री शर्मिला टैगोर की याद दिलाते हैं। शर्मिला टैगोर उन अभिनेत्रियों में एक रही हैं जिन्होंने अपने दौर में बिकिनी पहनकर चारों तरफ सनसनी मचा दी थी। भले ही शर्मिला अब फिल्मी दुनिया से दूर हों, लेकिन उन्होंने अपने दौर में आराधना और मौसम जैसी कई हिट फिल्में दी, और ये फिल्में आज भी दर्शकों द्वारा बेहद पसंद की जाती हैं। दोस्तों, यूं तो आप इनके बारे में सब कुछ जानते होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मशहूर अभिनेत्री शर्मिला टैगोर इन दिनों कहाँ हैं, क्या करती हैं, कैसी दिखती हैं? नहीं जानते ना? तो कोई बात नहीं, आज हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन दिलचस्प सवालों के जवाब, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री शर्मिला टैगोर का जन्म 8 दिसंबर साल 1944 को कानपुर में ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन में महाप्रबंधक गीतेंद्रनाथ टैगोर और उनकी पत्नी ईरा टैगोर के घर हुआ था। टैगोर के पिता कुलीन बंगाली हिंदू टैगोर परिवार से थे, जबकि उनकी माँ असमिया हिंदू मूल की थी और बरुआ परिवार से ताल्लुक रखती थी। टैगोर ने सेंट जॉन्स डायक्सन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल और लॉरेटो कॉन्वेंट आसनसोल में पढ़ाई की। टैगोर ने अपनी करियर की शुरुआत सत्यजीत रे की 1959 की बंगाली फिल्म अपूर संसार में एक अभिनेत्री के रूप में शीर्षक चरित्र की बदकिस्मत दुल्हन के रूप में की थी, जिसकी काफी सराहना की गई थी। 1960 में रे ने उन्हें देवी में कास्ट किया, जो 1860 में हिंदू रूढ़िवाद और तर्क संगत सुधारों पर आधारित फिल्म थी। वो इसे अपनी पसंदीदा फिल्म और परफॉर्मेंस मानती है। 1964 में शर्मिला की फिल्म कश्मीर की कली आई, जिसमें जहां उनकी खूबसूरती की तारीफ हुई, वहीं इसके बाद लोगों ने शर्मिला के अभिनय की भी जमकर तारीफ की। शर्मिला की फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस में पहली बार शर्मिला ने बिकिनी सीन किया था। आपको बता दें, बॉलीवुड में बिकिनी वाली शर्मिला पहली एक्ट्रेस हैं। फिल्म में बिकिनी सीन देकर उन्होंने बॉलीवुड में तहलका मचा दिया। इतना ही नहीं, उनके इस कदम से संसद तक में बवाल मच गया था। फिल्म निर्देशक शक्ति सामंत ने बाद में साल 1969 में आराधना और साल 1972 में अमर प्रेम जैसी फिल्मों के लिए राजेश खन्ना के साथ शर्मिला टैगोर की जोड़ी बनाई। अन्य निर्देशकों ने उन्हें सफर, दाग और मालिक में एक साथ जोड़ा। खन्ना टैगोर की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर 7 हिट फिल्में दी, जिनमें आराधना, सफर, अमर प्रेम, छोटी बहू, दाग और आविष्कार फिल्म शामिल है। शर्मिला टैगोर ने 1975 में गुलजार की फिल्म मौसम में अभिनय किया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किया। उन्होंने साल 1991 में मीरा नायर की फिल्म मिसिसिपी मसाला में भी सहायक भूमिका निभाई थी। राजेश खन्ना के अलावा उनकी धर्मेंद्र के साथ भी एक बहुत ही सफल जोड़ी मानी जाती थी, जिनके साथ उन्होंने 7 फिल्मों में अभिनय किया। उनकी फिल्मोग्राफी में अमिताभ बच्चन के साथ साल 1975 में आई फिल्म फरार और साल 1978 में आई फिल्म बेशरम भी शामिल है। बात की जाए इनके निजी जीवन के बारे में, तो आपको बता दें, शर्मिला की निजी जिंदगी काफी चर्चाओं में बनी रही। 1968 में एक बिकिनी शूट करवाया था, जो कि फिल्म फेयर मैगजीन के लिए हुआ था। ये शर्मिला की जिंदगी का एक ऐसा किस्सा है जिसने शर्मिला की रातों की नींद उड़ा दी थी। दरअसल ये बात उस समय की है जब उनका मंसूर अली खान पटौदी से अफेयर हुआ करता था। उन्हीं दिनों वो फिल्म में अपने बिकिनी सीन को लेकर हर तरफ छाई हुई थी। शर्मिला ने भारतीय क्रिकेट पूर्व कप्तान नवाब पटौदी से साल 1968 में शादी की थी। शादी के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर आयशा सुल्तान रख लिया। जहां एक तरफ शर्मिला टैगोर ने 60 के दशक में बिकिनी पहनकर सबको चौंका दिया, वहीं जब वो सेंसर बोर्ड की चेयरपर्सन पद पे आई, तो फिल्मों में हीरोइनों को लेकर अधिक अंग प्रदर्शन पर काफी हल्ला मचा दिया था। बता दें, शर्मिला टैगोर के 3 बच्चे हैं, जिनमें बेटा सैफ अली खान और 2 बेटियां सबा अली खान और सोहा अली खान हैं। सैफ अली खान बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता हैं, सबा अली खान एक ज्वेलरी डिजाइनर और सोहा अली खान एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। मंसूर अली खान पटौदी का 70 साल की उम्र में 22 सितंबर 2011 को निधन हो गया था। अब आखिर में बात की जाए शर्मिला टैगोर के आज के बारे में, तो आपको बता दें, शर्मिला टैगोर 77 साल की हो चुकी हैं और पहले से काफी बदल चुकी हैं। बढ़ती हुई उम्र उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। बता दें, मंसूर अली खान पटौदी के जाने के बाद शर्मिला टैगोर ने अपने परिवार को बेहद अच्छे तरीके से संभाला।
भले ही शर्मिला टैगोर अब फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो चुकी हों, लेकिन सामाजिक कार्य को लेकर वो अक्सर सुर्खियां बटोरती हैं। फिलहाल शर्मिला टैगोर अपने बच्चों के साथ मुंबई में खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। तो दोस्तों, आपको शर्मिला टैगोर के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और हिंदी सिनेमा जगत से जुड़ी ऐसी और दिलचस्प बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।